स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी खबरों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी हुई बेल आइकन को भी दबा दें। हेलो स्पोर्टियन, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत 23 मार्च को होने जा रही है। बता दें, आईपीएल दुनिया का सबसे अमीर टी20 टूर्नामेंट बन चुका है, क्योंकि आईपीएल के एक इवेंट में हजारों करोड़ रुपए खर्च दिए जाते हैं और ऐसे में टीम के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले मालिकों की कमाई आखिरकार कहाँ से होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि टीम के मालिकों की कमाई कितनी होती है और कहां से होती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों, आईपीएल में कमाई का सबसे बड़ा जरिया होता है ब्रांड वैल्यू। फ्रेंचाइजी के मालिक या फिर उनके करीबी वो क्रिकेट या फिर फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए होते हैं, जैसे शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या रिकी पॉन्टिंग। ये जो लोग होते हैं, जब ये क्रिकेट के मैदान पर आते हैं तब ग्लैमर और फैंस का तड़का लग जाता है और ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सरशिप देने के लिए आगे बढ़ती है, तो इसी के ज़रिए इनकी काफ़ी सारी कमाई हो जाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं नए ब्रांड्स जो आईपीएल में जमकर पैसा लगाते हैं। दोस्तों, आईपीएल के हर सीज़न में नए नए ब्रांड्स प्रमोशन के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर 2018 के आईपीएल के सीज़न के लिए वीवो, जो एक मोबाइल कंपनी है, उसने भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए करीब 770 करोड़ रुपए खर्च दिए थे। दोस्तों, कमाई में तीसरे नंबर पर आती है खिलाड़ियों की जर्सी। आपको बता दें, सभी टीम के सभी खिलाड़ियों के जर्सी के ऊपर, इवन उनके स्टाफ मेंबर की जर्सी के ऊपर अलग अलग कंपनियों के नाम छपे होते हैं और बल्लेबाजों के हेलमेट के ऊपर भी आप देख सकते हैं, जिसके लिए कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च देती है। और इसी के साथ सभी टीम के स्पॉन्सरशिप वाली कंपनियां जो होती है वो इन खिलाड़ियों को लेकर कई सारे शोज करती है, जिसके बदले में वो अपने ब्रांड को प्रमोट करती है। बता दें, टीम के कुल कमाई में 35% का हिस्सा स्पॉन्सरशिप से आता है। इसके बाद आता है मीडिया राइट्स। किसी भी चैनल या फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनी को अगर आईपीएल का कोई भी मैच दिखाना है तो उसके लिए बीसीसीआई से राइट्स खरीदना पड़ता है। तो बता दें, बीसीसीआई से जब ये राइट्स खरीदते हैं तो उसमें से बीसीसीआई अपना शेयर निकाल लेता है और जो कुछ बाकी रहता है वो टीमों में बांट देता है। तो इससे भी काफ़ी सारी कमाई टीम को हो जाती है। आईपीएल के टिकट्स एंड फूड स्टॉल, ये भी कमाई का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय लोगों में आईपीएल की मैच देखने के लिए काफ़ी क्रेज़ है, जो अपनी अपनी टीमों के मैच देखने के लिए स्टेडियम जाना चाहते हैं और ऐसे में टिकट लेने के लिए कंपटीशन होता नज़र आता है। फिर चाहे वो 1,000 रुपये का टिकट हो या 10,000 रुपये का, लोगों को बस टिकट लेना होता है। इसके बाद स्टेडियम पहुँचने पर अगर उन्हें कुछ खाना होगा तो फूड स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलाए जाते हैं। प्रति मैच प्रति स्टॉल यह फूड स्टॉल्स उन टीमों को पैसा अदा करते हैं, जिसके ज़रिए इन टीमों की कमाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है मर्चेंडाइज का। दोस्तों, आईपीएल के दौरान टीमें मर्चेंडाइज से शानदार कमाई करती है, क्योंकि इन टीमों के जो फैंस होते हैं वो इन टीमों की जर्सी, शूज़, कैप, बॉटल्स, की चेन, रिस्ट बैंड या उनसे जुड़ी कोई भी जो चीज़ें होती है वह बस खरीदना चाहती है। फिर उनका रेट कितना भी हो, ये फैंस वह खरीद लेते हैं और इसी के चलते टीमें काफ़ी अच्छी कमाई कर लेती है। सबसे अहम कमाई होती है प्राइज मनी से। आईपीएल में विजेता और उपविजेता दोनों ही टीमों को बड़ी प्राइज मनी दी जाती है और इसी के चलते टीम के मालिकों की भरपूर कमाई हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी नज़र में यही थे वो कुछ जरिए जिनकी बदौलत आईपीएल टीमों के मालिकों की अच्छे से कमाई होती है। अगर इसके अलावा आपको कोई और ज़रिया पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो बता दूँ, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ी हर इंटरेस्टिंग खबर इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Be sportian, stay sportian, be sportian.